लर्नर्स पॉइंट को आपण मानक स्वागत। तेज आज भिडियो आम आलोचना करवा वर्तमान जो एसएसबी पीजीटी नोटिफिकेशन आसी बहुत गुड़ाए पोस्ट आसी पे तो से संपर्क में तेज ये एसएसबी पीजीटी आम जानी 2023 में यार गोटे सेसन कम्प्लीट हो जो थी कि सेम बहुत गुड़ाए पोजिशन आम रही तुम भर बहुत जन एग्जाम तेज एवं पुणी गोटे अपरच्युनिटी आसी तुम बहुत सब्जेक्ट आसी और सिलेबस वर्तमान पर्यंत कौन से अपडेट नाई जेहेतु से पुराना सिलेबस ही एग्जाम कंडक्ट होबार चांसेस रही आउ किछि चांसेस रही जे सिलेबस आमर चेंज हो पाए तो से विषय में आज आम देखा तो कौन सब नंबर ऑफ पोस्ट रही आबेठू यार एप्लिकेशन डेट आरंभ हो सब विषय में आम आज डिस्कसन करवा। आ छड़ा आमर पूर्व आम एसएसबी पीजीटी पेड कोर्स करते तो एवं एसएसबी पीजीटी जो ये सेसन आसी आमर पेड कोर्सेस आरंभ होगा जाऊँगी तो जो मैंने जॉइन करने आग्रही अच्छा से कमेंट बॉक्स में मत निश्चय जनातु कि डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक दिखाई से मत निश्चय जनातु से जॉइन करूँ और मत निश्चय जनातु। तेबे एबे आम देखा ये जो पोजिशन आसी आमर तो ये कौन रही यार एप्लिकेशन डेट कौन सब नंबर ऑफ पोस्ट रही से सब विषय में देखा तो आम समस्ते जानते यार स्केल ऑफ पे जदि आम देखुं ताहले 44,900 नहीं 142,400 पर्यंत रोचे आउ जो कैंडिडेट माने पोजिशन कथा आम कहिबा ताहले नंबर ऑफ पोस्ट अछि पिले 1061 पोस्ट आम पाखे ये रही। तेबे याको एप्लिकेशन जदि आम देखुंते ताहले एप्लिकेशनटा आमर ssb.odisha.ac.in जो वेबसाइट रही सेठी कंडक्ट होबाको जाउची एप्लिकेशन प्रोसीजर। आ इंपोर्टेंट डेट्स कथा जदि आम देखा ताहले यार ओपनिंग डेट जो ऑनलाइन एप्लिकेशन रही आमर तार ओपनिंग डेटा पे आमर 18/3 रही 18 मार्च आमर वर्तमान जो कंटिन्यू रही मंथ आमर सेबेठू आरंभ हो 1 PM रु आर क्लोजिंग डेट जदि आम देखुं ताहले 18/4 पर्यंत 18 एप्रिल पर्यंत आम पाखे एप्लिकेशन डेट रही। या सहित तो किछिटा नोट रही आम पाई जेमिति कि प्लीज रेफर टू इंस्ट्रक्शन अंडर हाउ टू अप्लाई तो आमर जो वेबसाइट रे आमर हाउ टू अप्लाई रो इंस्ट्रक्शंस आम पाखे अवेलेबल रही है तो जो मैंने भी अप्लाई करिया पई चाहउचंती बा एप्लिकेशन आरंभ करउचंती ता पूर्वरु कंप्लीट इंस्ट्रक्शन पई बोली निश्चय ए हाउ टू अप्लाई पेज को देखि नियंतु जा द्वारा कि आपनकर कोन कोन डॉक्यूमेंट्स दरकार आ को स्टेप पर को स्टेप कंप्लीट करिया पई हबो आ एप्लिकेशन सबमिशन रो कंप्लीट प्रोसीजर आपन इठी पाई जिवे तो सेठी आपन माने निश्चय देखंतु। आ गोटे जिनस भी कहूँ कौन देख candidates in their own interest are advised to not to wait till the last date and time and to submit their application will within the टाइमलाइन तो ये सिंपल जिनस आम समस्त जानते जिते लास्ट टाइम चली था तो से कौन वेबसाइट रस आसी जाए जो कि एप्लिकेशन कंप्लीट कर सबमिट कर बहुत प्रकार प्रॉब्लम होता है तो से समस्ते चेष्टा कर जो 18 एप्रिल डेट दिखाई तार बहुत पूर्व ही निजर एप्लिकेशन प्रोसीजरटा कंप्लीट करनेब ता सहित पुणी आउरी कौन कह देख एसएसबी शैल नॉट बी हेल्ड रेस्पोंसिबल इफ द कैंडिडेट्स आर नॉट एबल टू सबमिट देयर एप्लिकेशन ड्यू टू लास्ट मिनट रस ये जिनस कहूँ जदि तुम लास्ट मिनट रस किसी प्रॉब्लम तुम एप्लिकेशन सबमिट हो पारुनी ताहले एसएसबी तापाई रेस्पोंसिबल रहिबो नाही ए जिनसटा मेंशन क्लियरली करा हिची। तापर एठी वैकेंसी पोजीशंस कथा हम जदि देखुचंती पिले तो आमर बटनी पई एठी देखि परिबो 29 पोस्ट हम पाखे रहिची केमिस्ट्री पई 35 पोस्ट आछि कॉमर्स पई 21 पोस्ट आछि इकोनॉमिक्स पई 141 रो पोजीशन आसीची आल्सो आमर एजुकेशन पई 50 पोस्ट रहिची इंग्लिश पई 148 पोस्ट रहिची ज्योग्राफी पई 5 पोस्ट रहिची जियोलॉजी पाई 2टा पोस्ट हिंदी पाई 1 पोस्ट हिस्ट्री पाई 146 पोस्ट आम पाखे रही सहित तो आम पाखे होम साइंस जो रही 7टा पोस्ट आईआरपीएम 2टा पोस्ट लॉजिक रे 38टा मैथमेटिक्स रे 39टा ओडिया रे 130 पोस्ट आम पाखे रही फिजिक्स रे 35 पोस्ट रही पॉलिटिकल साइंस 144 पोस्ट रही साइकोलॉजी आमर 7टा पोस्ट रही संस्कृत 38 पोस्ट आम पाखे रही पुणी आम जब देखा तो सोशियोलॉजी 15टा पोस्ट तेलुगु पाई 2टा पोस्ट उर्दू पाई 1 जियोलॉजी पाई 1 पोस्ट तो यही भाव में टोटाल 1061 नंबर ऑफ पोस्ट आम पाखे रही तो मेनी नंबर्स ऑफ आम पाखे इकोनॉमिक्स पाई पोस्ट देखा मिलूँ तो ये आम सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी पोजीशन एलॉन्ग विद रिजर्वेशन शाल बी नोटिफाइड एट ए लेटर डेट बोली कहुए तो आमर जो विभिन्न कैटेगरी अनुजाई जो डिविजन्स रही पोजीशन रो सेटा आमको आगको जना पड़ज ये जिनस ही आमको कहुई तापर ये आम एज लिमिट कथा जब देखुंत ये आम गोटे गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन थाए जिते कि आम कौन भी एग्जाम आप्लाय कर तो से देख मिनिमम एज लिमिट कथा कौन कहुई ऑल कैटेगोरी कैंडिडेट्स साल बी 21 तो मिनिमम एज एज आम पाखे 21 दिखाई तो यहाँ मिनिमम एज क्राइटेरिया समस्ते आम कम्प्लीट कर निश्चय अल्सो मैक्सिमम एज साल बी 38 इयर्स ऑफ बोली कहुचे तो मैक्सिमम एज लिमिटा 38 आम पाखे रही ऑन 1 जनवरी 2024 तो ये जो डेटा काउंट हम पे केबे पर्यंत ना जो मानकर कि जानुआरी पर्यंत जो डेट रही तो धर जानुआरी पर कहीं आमर कंप्लीट करिसंती जदि 38 ताहले भी से काउंट हो पारे आ जानुआरी भितर जब तुम 38 रछ ताहले तुम्हें अप्लाई निश्चय करि परिबो। अल्सो ही और सी मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 1986 नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2003 तो ये एज रो जो डेट लिमिट भी दिया जाइए आमर जे 2 जनवरी 1986 टू नहीं कि 1 जनवरी 2003 भितर जन्म होता समस्ते कौन करें ना अप्लाई करें एज लिमिट नॉर्मली इटा बा ऑल कैटेगोरी रही सहित किसी रिलैक्सेबल एज भी आम पाखे रही जमीती कि अपर एज लिमिट लोअर एज लिमिट रे कोनोसी रिलैक्सेशन नहीं अपर एज लिमिट कथा कहूँ प्रेस्क्राइब्ड एबव इज रिलैक्सेबल बाय 5 years फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू कैटेगोरी ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब तो एससी एसटी कैटेगोरी रू बिलोंग करथुबा पर्सन माननक पई ता सहित सोशियली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस पई बोली 5 year रो एज रिलैक्सेशन अछि तो जो 38 हमर मैक्सिमम एजटा बा अपर एज लिमिट रही सेटा 43 जाय हमर जाई परिबो कहा पई एससी एसटी और एससीबीसी पई अल्सो विमेन आउ एक्स सर्विसमैन सिमिलरली द अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल बाय 10 years तो विमेन मानंग पई आउ ता सहित हमर को मानंग पई ना जो एक्स सर्विसमैन्स रहिसंती से मानंग पई 10 वर्ष अर्थात 48 वर्ष पर्यंत से माने अप्लाई करी पारिबे आउरी पुनी जो माने कि पीडब्ल्यूडी कैटेगोरी रोचंती जार कि डिसेबिलिटीटा परमानेंट डिसेबिलिटीटा 40% आउ ताठू अधिका अछि से मानंग पई भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी बिलोंगिंग एससी एसटी और एससीबीसी कैटेगोरी आर एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन बेनिफिट ऑफ 15 इयर्स तो जो माने कि प्रथमतः डिसेबल अछंती ता सहित एससी एसटी और एससीबीसी कैटेगोरी रू बिलोंग करछंती सेमानन को 15 वर्ष रो रिलैक्सेशन मिलुछि पिले जोटा कि पाखापाखि 53 इयर्स पर्यंत हमको देखिया को मिलि छी तापर आमे देखि परिबा कोन देख ए जो एज लिमिट रहिला सेव आज प्रोवाइडेड एबव द एज लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड कैन इन नो केस बी रिलैक्सेबल बोली कहुई तापर आउ थे कौन ये कहुचे गोटे इंपोर्टाट जिन जो आम डेट ऑफ बर्थ कथा कहुची जोटा कि हाई स्कूल सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो रही आम पाखे से एंटर हो माने डेट ऑफ बर्थ को एथिरे काउंट करा जीवो बोली कहुची ता सहित एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हमर कोन कहुई देखो ए कैंडिडेट मस्ट हैव मास्टर्स डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंटीग्रेटेड 6-year पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीईआरटी विथ एटलिस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट बोली कहुची तो प्रथमतः से कोन रहिथिबा दरकार ना मस्ट हैव ए मास्टर डिग्री प्रथम तो मास्टर डिग्रीटा मस्ट बोली कहुचे जेहेतु पीजीटी बोली कहुचे पोस्ट ग्रेजुएट कथा कहुचे तो मास्टर्स डिग्री निहाती ता सहित सेथिरे 50% मार्क हमरो एग्रीगेट रहितबा निहाती आवश्यक ता सहित मस्ट हैव एक्वायर्ड बीएड तो हमरो बीएड पई भी मस्ट एठी लागी अर्थात कौन तुम पाखे निहाती बीएड डिग्री रही दरकार और इक्विवेलेंट डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसी माने जो हमरो एनसीटीई रहिछि ता द्वारा ता सहित बीएड क्वालिफिकेशन इज नॉट मैंडेटरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इन माने एमिति किछटा सब्जेक्ट रही पिले जो थिरे कि हमर बीएड डिग्रीटा मैंडेटरी नुह से भितर को सब्जेक्ट रहिला ना कॉमर्स रहिला एजुकेशन रहिला जियोलॉजी होम साइंस लॉजिक एंड फिलोसफी साइकोलॉजी सोशियोलॉजी आईआरपीएम तेलुगु उर्दू ए सब सब्जेक्ट जो रहिला ए माननक पई कोन ना बीएड जो रहिचे एटा हम पई मैंडेटरी क्राइटेरिया नुह आउ ए जो बीएड क्वालिफिकेशन ता मैंडेटरी को सब्जेक्ट्स पई पिले से भीतर हमर रहुचे बॉटनी केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स इंग्लिश ज्योग्राफी हिंदी हिस्ट्री मैथमेटिक्स ओडिया फिजिक्स पॉलिटिकल साइंस संस्कृत एंड जूलॉजी ए जो सब्जेक्ट्स रहिले ए माननक पई कोन ना बीएड ता जो रहिचे ये मैंडेटरी बोली हमें कहि परिबा तापर देखो ए जो एसएसबी रो जो हमरो मेथड ऑफ सिलेक्शन जदी हमें देखिबा अगेन तमाने भी जानि जा एथिरे हमरो भाइभा बा इंटरव्यू एमिति किछि आ स्टेप नाही एथिरे हमरो गोटे केवल रिटन टेस्ट ता सहित करियर असेसमेंट हमको देखिया मिले। तो प्रथम तो 150 मार्क रो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप क्वेश्चंस रे हमरो गोटे रिटन टेस्ट होबो पिले जोथिरु कि तमे स्कोर करिवो आ सेथिरे कट ऑफ जदी तुम क्लियर करछो ता परे कोन होबो ना 50 मार्क्स रो तमरो करियर असेसमेंट होबो आ डायरेक्ट पोस्टिंग। तो एथिरे हमकु कोन देखिया को मिलि देखो ना एथिरे जो हमरो रिटन टेस्ट रहिबो ए रिटन टेस्ट रो जो मार्क रहिला हमें देखिले जे 150 मार्क्स रहिला। तो दिस देयर शैल बी ए रिटन टेस्ट ऑफ 150 मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट एज पर द सिलेबस गिवन इन द वेबसाइट ऑफ एसएसबी। तो एठी कोन कहै छै ना वेबसाइट जो रहि छै एसएसबी रो सेथिरे दिया जायथिबा सिलेबस अकॉर्डिंगली हमरो कोन होबो ना कंसर्न सब्जेक्ट रे 150 मार्क्स रो एग्जाम होबो। तो एठी आ गोटे क्वेश्चन आछै जे कोन सिलेबस हमर चेंज होबो बा होबोनी। तो देखो आगरो जेहेतु दि तीनटा सेशन ए सिलेबस रे हे सरलानी तो किछि चांसेस अछि जे सिलेबस रो चेंजेस होबारो किंतु जेतेबेला हमर 18 तारिख जदी आसी जाउची आ हमर एप्लीकेशन स्टार्ट हे जाउची ताहले हमें कंफर्म हे जिबा जे जो सिलेबस वर्तमान अछि सेही समान सिलेबस रे एग्जाम होबाउ जाउची। जदी एग्जाम रो सिलेबस चेंज होबाउ जाउची ताहले 18 तारिख पूर्व रो सिलेबस तार निश्चय चेंज हे जिवो। ता सहित एथिरे हमकु देखिया को मिलुची 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमकु जोटा कि 1.5 मार्क्स क्यारी करिवो आ नेगेटिव मार्किंग मध्ये एथि रहइबो पिले 0.5 मार्क्स रो फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तापर हमें देखिबा को पाइले कोन ना हमरो जो करियर असेसमेंट कथा को आगा जाउची। तो करियर असेसमेंट मु कहली जे 50 मार्क्स हमको देखिया को मिलबो करियर असेसमेंट पई। तो सेथिरा हमें देखिबा मैट्रिकुलेशन 5 मार्क पई फर्स्ट डिवीजन रे 5 मार्क सेकंड डिवीजन 4 मार्क थर्ड डिवीजन 3 मार्क मिलबो। पुनी हायर सेकेंडरी जोडे कि प्लस 2 कथा कहबा 5 मार्क हाईएस्ट अछि ता पई फर्स्ट डिवीजन को 5 मार्क्स सेकंड डिवीजन को 4 मार्क्स और थर्ड डिवीजन को 3 मार्क्स हमरो एठी मिलबो। ता संगे बैचलर डिग्री कथा जदी हमें कहबा ताले मार्क्स होछि थिरे 10 और तादरे फर्स्ट डिवीजन पाई 8 सेकंड डिवीजन पाई 7 आउ थर्ड डिवीजन पाई 6 रहिछि। ता सहित जो मानंकर मास्टर्स बा बैचलर डिग्री डिस्टिंक्शन अछि से मानंकू एक्स्ट्रा 2 मार्क्स मध्ये मिलिबो अर्थात जदी जने फर्स्ट डिवीजन बि डिस्टिंक्शन अछि ताहले कंप्लीट 10 मार्क्स से निहाती पाइ जिवो। ता सहित पोस्ट ग्रेजुएशन पई हाईएस्ट अछि 15 आ जोटा कि हमरो जो बेसिस ऑन एग्रीगेट हमरो जो रहिछि ता आधार रे डिसाइड होबो। आल्सो बीएड पई भी 15 मार्क्स अछि सेटा भी सेमिति हमरो एग्रीगेट परसेंटेज को आधार करिके डिसाइड करा जिवो पिले। तापर आ गोटे जेंस इन केस जो 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 सब्जेक्ट गुडा को पाई कि पीजीटी कोन हो मैंडेटरी नुहो सेठी करियर असेसमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पीजी का माने पोस्ट ग्रेजुएशन शैल बी डन आउट ऑफ 30 मार्क्स। तो ए जो हमरो जो जो सब्जेक्ट गुडा को पाई कि बीएड ता कोन नुहो मैंडेटरी नुहो बोली को आउची सेठी जो पीजी रो मार्क ता रहला सेटा 30 मार्क्स काउंट होबा और ताधेरु सेमन को मार्किंग दिया जीवो। आ जोठी हमरो माने पीजी आ बीएड रे कैंडिडेट जदी 70 मार्क्स एग्रीगेट आ पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड रे मानकर करियर मार्क आ पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड रही छै सेटा से मानकर स्पेसिफिक काउंटिंग होबो जेमिति कि 70% ऑफ 15 हमरो काउंट होबो। तो एई भली हमरो कोन अछि ना जो हमरो सिलेक्शन क्राइटेरिया टा रही छी पिले। तापर हमें ए सब जिनस सीजीपीए सेक्टर समस्त जानि छ जोन ऑफ एग्जामिनेशन जदी हमें देखिबा ताले को जोन रे हमरो ए एग्जामिनेशन कंडक्ट होबा को जाउची पिले ना प्रथम तो रहला बालेश्वर बरहमपुर तापर रहला भवानीपटना भुवनेश्वर कटक जयपुर केउंझर राउरकेला संबलपुर डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम द रेस्पेक्टिव जोन इन केस ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर द एनी ऑफ द जोन एक्सक्लूडिंग भुवनेश्वर द कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर दोस जोन्स विल बी accommodated at their नियरेस्ट जोन बोली कहा जाउची। तो जो जो जोन पई कैंडिडेट्स जदी अधिक होचंती ताहले कोन करा जीवो ना नियरेस्ट जोन रे समान को ट्रांसफर करा जीवो। ता सहित एप्लीकेशन फीस कथा जदी हमें देखुचंती ताहले एप्लीकेशन फीस हमरो टोटल रहिची कोन ना नॉन एडजस्टेबल फीस रहिची सेटा पुनी 500 रहिची ओनली फॉर द कैंडिडेट्स कमिंग अंडर अनरिजर्वड कैटेगरी जो माने अनरिजर्वड कैटेगरी रे अछंती सेमानंग पई टोटल 500 रहिची एससी बीसी कैटेगरी अंडर रे जो माने अछंती सेमानंकू माने 200 कैटेगरी रहबो माने जो हमर रहले अनरिजर्वड आ एससी बीसी कैटेगरी ए मानंक पई 500 रहबो आ 200 रहबो ओनली फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी तो से कौन ना 200 टंकार टोटल एप्लिकेशन फीस कलेक्ट करा जीवो हला आ ऑनलाइन हुए इटा समस्ते हमें जानि छंती। एप्लिकेशन प्रोसीजर कथा जदि हमें देखिबा ताले जो एबे वर्तमान में तमानंकु कहली जो हमरो एसएसबी रो वेबसाइट सेठी ही तमाने पाई जीवो हमरो एप्लिकेशन रो लिंक आ सेठी तमाने एप्लिकेशन दे परिबो आ अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भितरे तमाने जानि छ जे मस्ट गोटे सिटीजन ऑफ इंडिया हेथिबा दरकार आल्सो स्पीक रीड राइट ओडिया हेथिबा दरकार तापर से कौन करथिबा दरकार ना हमरो जो मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन ओडिया लैंग्वेज रे पास करथिबा दरकार ए बली किछटा क्राइटेरिया रहिछि एगुडा गोटे कॉमन क्राइटेरिया ए सब विषय आमे जानंती। तापर आ गोटे जिंस को होछि कोन ना ए जो एडमिशन रहबो रिटन टेस्ट रे एटा हमरो टोटली प्रोविजनल रहिबो ता सहित सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स जते बेले कि हमें वेरिफिकेशन पई जाउचंती हम पई कोन कोन दरकार होबो पिले ना जति कि भी हमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करिसंती से डॉक्यूमेंट्स सब सेठी वेरीफाई होबो पिले तो से भीतर कोन कोन ना हार्ड कॉपी दरकार हमरो ऑनलाइन एप्लीकेशन रो ता सहित जो एचएससी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ता और मार्कशीट ता दरकार हमरो जोटा कि हमरो बर्थ डेट को आउ परसेंटेज ऑफ मार्क्स सेक्यूर्ड को सपोर्ट करि परथिबो ता सहित हायर सेकेंडरी रो सर्टिफिकेट मास्टर डिग्री रो सर्टिफिकेट बीएड सर्टिफिकेट दीटा रिसेंट साइज पासपोर्ट हमको दरकार जो थी कि पछपटे हमको कोन ना रोल नंबर मेंशन हेथिबा दरकार आ ना मेंशन हेथिबा दरकार ता सहित कंडक्ट सर्टिफिकेट हमर दरकार कॉलेज बा यूनिवर्सिटी रो कास्ट सर्टिफिकेट दरकार जो मानन पई कि नीड अछि तो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी द्वारा इश्यू हेथिबा कास्ट सर्टिफिकेट दरकार ता सहित ओडिया पास सर्टिफिकेट दरकार जो माने कि कोन करनांती ना हमरो ओडिया एग्जाम देई नाहंती आ डिसेबल मानन पई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दरकार पुणी स्पोर्ट्स पर्सनालीटी जो रहिले सेमानंक पई आइडेंटिटी कार्ड ता दरकार तंकर जो स्पोर्ट्स आइडेंटिटी कार्ड आल्सो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दरकार जो माने कि वर्तमान भी जॉब रे अछंती तापरे जो कैंडिडेट्स क्लेम करचंती बा क्वालिफिकेशन पोजेस करचंती इक्विवेलेंट टू द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन द रूल बा अथॉरिटी अंडर व्हिच इट इज टू बी ट्रीटेड मस्ट बी फर्निश्ड बोली हम कहि परिबा तो एई बोली किछटा सर्टिफिकेट हमको दरकार तो मु जेमिति कि कहली इंस्ट्रक्शंस हमर वेबसाइट रे अवेलेबल अछि ताकू नहीं कि तमने प्रथम इंस्ट्रक्शंस कंप्लीटली पढ़ी नब जोठू कि तमे जानी परिबो कोन कोन डॉक्यूमेंट्स तमनक पय दरकार हबो आ को भलिया स्टेप बाय स्टेप तमे एप्लीकेशन प्रोसीजर टा कंप्लीट करिवो आ खास करिकि सब पिला माने निजरो डेट ऑफ बर्थ ना बापांक ना ए सब जिंस जते बेले फिल अप करूचो दया करिके कोनोसी प्रकार भूल सेठी करिवो नाही काई कि ना जते बेले तमे सबमिट करि दोचो तापर एडिट करिवाटा संभव होइनी सेति पय चेष्टा करिवो कंप्लीटली कोन करि परिवो जेमिति कि करेक्टली एंटर करिवो ए सब जिंस नहले वेरिफिकेशन टाइम रे से सब जिंस रो प्रॉब्लम आसी पारे। तो एतिकि थिला हमर कंप्लीट इनफॉरमेशन एसएसबी संपर्क रे जदि आउ किछि अधिक जिंस जानिबा पय चाहंचो एसएसबी पीजीटी संपर्क रे ताहले मते कमेंट बॉक्स रे निश्चय पचारि परिबो आ जेमिति कि मु कहली एसएसबी पीजीटी पय बहुत जल्दी हमर क्लासेस मध्ये आरंभ होबा को जाउची तो जो माने आग्रही अछि जॉइन करिया पय ताहले निश्चय जॉइन करि परिबो आ मोर पढैबार शैली ए सब जिंस विषय रे समस्ते आशा करूची निश्चय परिचित अछि तो जो माने मो सहित निजरो प्रस्तुति करिया चाहूँ मत निश्चय जनाओ कमेंट बॉक्स कि डिस्क्रिप्शन रे जो टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक दिया है से तुमने जॉइन करी मो सहित जोगाजोग करिपारिबो। तो शेष पर्यंत भिडियोटी देखिथिबारु तुमनको बहुत बहुत धन्यवाद आ आशा करूची समस्ते निजरो प्रस्तुति फुल जोश रे आरंभ करिनबो।